आपने कोई स्मार्टफोन खरीदा और महज एक से डेढ़ साल के भीतर ही उसमें कुछ दिक्कतें आने लगी। आप रिपेयरिंग के लिए मोबाइल शॉप गए, लेकिन वहां पता चला कि जितने में आप रिपेयर करेंगे उसमें तो 1-2 हजार और मिलाकर आप नया फोन ले सकते हैं। और आखिर में आप ऐसा ही करते भी हैं। कई बार कंपनियां कुछ वक्त बाद मोबाइल के परफॉर्मेंस को स्लो कर देती हैं, कुछ समय के बाद कंपनियां अपडेट देना भी बंद कर देती हैं। कंपनियां ये सब तरीके अपनाती हैं ताकि आप उनके नए स्मार्टफोन और नए गैजेट्स खरीद सकें। इससे न सिर्फ आम कंज्यूमर्स की गाढ़ी कमाई को नुकसान पहुंचता है, बल्कि ये प्रैक्टिस पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। लेकिन अब सरकार इस पर लगाम कसने की तैयारी कर रही है। सरकार जल्द ही राइट टू रिपेयर की व्यवस्था करने वाली है। क्या है ये राइट टू रिपेयर, कैसे ये आम कंज्यूमर को दिलाएगा फायदा, देखिए इस रिपोर्ट में। आज हर दूसरे मिनट में एक नया मोबाइल फोन लॉन्च हो रहा है। मोबाइल फोन ही क्या, टीवी, वॉशिंग मशीन समेत कई तरह के नए नए गैजेट्स रोजाना लॉन्च होते हैं, और इन नए गैजेट्स को खपाने के लिए कंपनियां पुराने गैजेट्स को कुछ वक्त बाद ही नाकाफी बनाने की कोशिश करती हैं। इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, जिसमें रिपेयरिंग मैनुअल न देना, कुछ वक्त बाद फोन को स्लो कर देना या अपडेट बंद कर देना, और थर्ड पार्टी रिपेयर करने पर वारंटी खत्म कर देने जैसे हथकंडे शामिल हैं। अब सरकार इन हथकंडों पर लगाम कसने की तैयारी कर रही है। सरकार आम ग्राहकों को अब राइट टू रिपेयर यानी मरम्मत का अधिकार देने की तैयारी कर रही है। सरकार ने राइट टू रिपेयर पर बड़ी बैठक की है। बैठक में कई संगठन शामिल हुए। बैठक में सरकार की तरफ से कहा गया है कि हर प्रोडक्ट की लाइफ तय हो, प्रोडक्ट को बदलने के ऑप्शन देने की बजाय उसकी क्वालिटी बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए, छोटे मोटे अपडेट या मॉडल अपडेट करने के ऑफर बंद हों, कंपनियां आफ्टर सेल सर्विस पर फोकस बढ़ाएं, टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन के पार्ट्स भी हर जगह उपलब्ध रखने होंगे। सरकार ने कहा है कि सभी कंपनियां राइट टू रिपेयर के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को फॉलो करें। सरकार जल्द राइट टू रिपेयर को लेकर गाइडलाइन जारी करने वाली है। भारत में भले ही राइट टू रिपेयर पर अब ज्यादा मुस्तैदी दिखाई जा रही हो, लेकिन दुनिया भर में इसको लेकर 50 के दशक में ही अभियान शुरू हो गए थे। हाल के वर्षों में दुनिया के कई देशों में एक प्रभावी राइट टू रिपेयर कानून को पारित करने का प्रयास किया गया है या फिर किया जा रहा है। राइट टू रिपेयर को लेकर यूरोप समेत पश्चिमी देशों में अभियान चलाए गए। अमेरिका में जून की शुरुआत में राइट टू रिपेयर बिल पास किया गया है। ब्रिटेन में पहले से ही राइट टू रिपेयर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी राइट टू रिपेयर को लेकर नियम तय किए गए हैं। अब यूरोपीय संघ समेत कई देश राइट टू रिपेयर के नियम तय करने की जुगत में लगे हुए हैं। जिस राइट टू रिपेयर की बात हो रही है, उसके तहत कंपनियों को एक ग्राहक को प्रोडक्ट को रिपेयर करने के सभी तरह के विकल्प उपलब्ध कराने होते हैं। ये प्रोडक्ट आपका फोन हो सकता है, कार हो सकती है, वॉशिंग मशीन और फ्रिज समेत कोई भी गैजेट्स हो सकता है। राइट टू रिपेयर देने का मतलब है कि कंपनियों को ऐसे उत्पाद बनाने होंगे जो ज्यादा टिकाऊ हों। इसके तहत प्रोडक्ट बेचने पर उसके साथ ही स्पेयर पार्ट्स भी देने होंगे ताकि मशीन लंबे वक्त तक चल सके। किसी डिवाइस को रिपेयर कैसे करें, इसकी शुरुआती जानकारी का मैनुअल भी देना होगा। लोकल रिपेयर शॉप्स को प्रोडक्ट के जरूरी टूल्स और रिपेयर करने का अधिकार भी देना होगा। इसका मकसद वारंटी खत्म होने के बाद भी प्रोडक्ट के रिपेयर में कंपनी को शामिल रखना है। दरअसल कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं जिसमें कंपनियां जानबूझकर ऐसे उत्पाद बनाती हैं जो जल्द ही खराब हो जाएं। इसके बाद बाजार में उस खराब पार्ट का विकल्प भी नहीं मिलता है, ना ही कंपनी से खुद सुधारने का आश्वासन देती है। ये इलेक्ट्रॉनिक जंग का हिस्सा बन जाता है, यानी आपके नुकसान के साथ ही ये पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। इसी को देखते हुए राइट टू रिपेयर अभियान शुरू हुआ है। अब देखना होगा कि भारत में राइट टू रिपेयर कितना प्रभावी होता है और सरकार इसके नियम कितने सख्त रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।